को फाइनली समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अल्काइल ग्रुप, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप आर फॉर्म बाय, मुझे बताओ वाला क्वेश्चन कर रहा था, हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप आर फॉर्म बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, वो भी आ गया अच्छे से पक्का। तो एक बार फिर क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्टार्ट करो, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्टार्ट करो क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को डील करने का तरीका समझेंगे। आप लोग तो बोलोगे, एक बार सिखाया आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी सिखाया, तो लिखो सबसे पहले फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में बताता हूँ आप लोगों को पता रखें, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है बेटा, ये फर्स्ट इसमें बताओ बेटा, आपने लिखे दी CH3 CH2 CH3, ठीक है। अगला नेक्स्ट सेकंड CH3 CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। और थर्ड आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर CH CH2 CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका CH3। अब इसमें जल्दी से बता दो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जल्दी से बता दो फास्ट। Thank you.
आईडी निकालना है तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे के लेक्चर में मूव करेंगे, ठीक है? तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। इसको मैं क्या मान लूं, फर्स्ट टैग मान लूं, फर्स्ट टैग मान लूं, इसको मैंने फर्स्ट टैग मान लिया तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, CH3 से CH2, CH3 से CH2 अटैच है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टैग। ये वाला आपका कौन सा टैग है, सेकंड टैग। तो यहाँ पर कितने टैग का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो बात क्लियर। आप इसमें बताओ बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं फर्स्ट टैग का मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट टैग का मान लिया। अब बताओ बेटा इसमें कितना, यहाँ से आपका CH2 अटैच है, फिर आपका C अटैच है, समझ रहे कैसे कर रहा हूँ, CH3 से CH2 अटैच है, C अटैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखूंगा ये CH3 से, तो ये CH3 से CH अटैच है, CH है ना अटैच, तो ये डाय कौन सा हो जाएगा, सेकंड डाय, ये आपका डाय। जहां पर भी ये वाला कौन सा होगा, देखो इससे CH, इससे CH3 से CH और C, बेटा लिख बाद में लेना, लिख बाद में लेना। यहाँ से CH3 से CH और ये C, यहाँ से CH3 से CH और ये C, तो ये वाला टाइप सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, नहीं आए समझ में, तो ऐसे सिमिलर में कुछ रहेगा, जहाँ से इसको कॉल करके रहेंगे ऐसे चल रहा है, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका, ये भी आपका टाइप 2 हो जाएगा। ये वाला कौन सा टाइप होगा, ये वाला क्या होगा, देखो ये समझ में आ गया, ये कौन सा टाइप होगा, थर्ड टाइप। तुम लोगों ने अपना शॉर्टकट तो नहीं बना लिया, ये कौन सा टाइप का हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कौन से टाइप का हाइड्रोजन होगा, सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टाइप कहाँ से निकालोगे, है क्या हाइड्रोजन यहाँ पर, नहीं है ना, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो टाइप कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालोगे टाइप, जो निकाल रहे थे कहाँ से निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे ना, तो यहाँ से हम टाइप नहीं निकाल सकते, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लिख लेना यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम यहाँ से टाइप नहीं निकाल सकते। अगला कहाँ से निकालेंगे बोलो बेटा, आप अच्छे से आप एक दोनों में बोलो, ये यहाँ जाएंगे CH, यहाँ CH3 से यहाँ जाएंगे C, यहाँ जाएंगे CH2, यहाँ जाएंगे CH, तो ये कौन सा हो जाएगा टाइप, बहुत ही होता क्या, बस बहुत टाइप। और यहाँ से बोलो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा टाइप, ये भी टाइप 4 की तरह ही है बेटा, ये वाला कौन सा होगा, हो जाएगा ना बेटा, सभी हाइड सभी कार्बन के आपको टाइप निकालने पड़ेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है बेटा इस कंपाउंड में, टाइप ऑफ हाइड्रोजन विल बी व्हाट, 5। क्लियर हुआ कंसेप्ट, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ से कितने अल्काइल ग्रुप बनेंगे पहले वाले से, तो क्योंकि टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ से भी, ठीक है। अब इसमें बताओ बेटा, इसमें अच्छे बच्चे हो ना, बताओ जल्दी से, फास्ट। ये वाले को मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, मिरर अभी बेटा इतनी जल्दी क्या है, ट्रिक यूज नहीं करना होता है, हमको पहले कंसेप्ट को ग्रैप करना है, ट्रिक तो बात का खेल है, पहले हमको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला बताओ, ये भी आपका क्या होगा, टाइप वन, देखो ना दोनों सेम है, CH3 CH CH CH3 CH CH, यहाँ पर देखो CH3 CH CH और यहाँ पर CH3 CH CH, तो दोनों पूरी तरीके से सिमिलर है, सिमिलर है, पक्का बात है, बॉन्डिंग सिमिलर है। इसमें बताओ इसमें ये कौन सा होगा, ये टाइप टू होगा, तो ये भी कौन सा होगा, टाइप टू, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, टाइप, तो ये भी बेचारा कौन सा हो जाएगा, टाइप, ये वाला बेचारा कौन सा टाइप होगा, ये वाला कौन सा टाइप होगा, तो यहाँ पर क्या
एक्टिंग विल बी, किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? पक्का? देखो मेरा ये सीख रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइप का होती है, ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का होती है, ये भी सेकंड टाइप का, ये थर्ड टाइप का होती है, ये भी थर्ड टाइप का, ये फोर्थ टाइप का होती है, ये भी ये मिरर इमेज का बस समझ में आया। मैंने एक एग्जांपल कराया था और किसी ने देखा उसको ध्यान से अभी तक, मैंने अभी थोड़े अगले लास्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल कराया था, किसी ने उसको ध्यान से अभी तक नहीं देखा और किसी ने डाउट भी नहीं पूछा था। हाँ ये कराया था, कराया था। तुम लोगों ने कितना टाइम बताया था, कितना टाइम बताया था? किसी ने पूछा तक नहीं मुझसे, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि सिंसरी इसमें क्या होगा, कितने टाइम बताओ, चार होगा। किसी ने अपना दिमाग भी लगाया, मैं इंतजार कर रहा था कोई बोलेगा, कोई बोलेगा, किसी ने अपना दिमाग भी लगाया, नहीं लगाया ना? ये कौन सा टाइप का होगा? फर्स्ट टाइप, फिर से कैलकुलेट कर देते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कौन सा टाइप होगा? सेकंड टाइप, ठीक है। ये कौन सा होगा? थर्ड टाइप। ये तो समझ में आ गया होगा। ये कौन सा टाइप होगा? फोर्थ टाइप। ये कौन सा टाइप होगा? थर्ड टाइप होगा ना, सिमिलर है तो ये भी कौन सा टाइप होगा? थर्ड टाइप। ये कौन सा टाइप होगा? फोर्थ टाइप। ये कौन सा टाइप होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ CH2 देखा है आप, तो यहाँ CH2, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, बॉन्डिंग देखी होती ना, बॉन्डिंग देखी होती है ना, तो ये यहाँ पर कार्बन है, यहाँ से क्या अटैच है, यहाँ क्या अटैच है, इसके पहले इसके बाद में क्या अटैच है, तो यहाँ से काउंट कर, इसको पकड़ के बोल, सब बोलना, इसको पकड़ के सबके सब बोलना बेटा, ठीक है, सबके सब मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है, समझेंगे, बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है? इससे यहाँ क्या अटैच है? यहाँ क्या अटैच है? यहाँ क्या अटैच है? यहाँ क्या अटैच है? क्या दोनों सिमिलर है? अब सिमिलर है, ठीक है। क्या ये वाला इसके सिमिलर होगा फोर्थ वाले के? हाँ या ना, देखने में बताओ, लग रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ या ना? हाँ लग रहा है। लेकिन इससे यहाँ क्या अटैच है? फिर क्या अटैच है? ठीक है, फिर क्या अटैच है? CH, वो कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। लेकिन यहाँ से CH2 CH, क्या ये टाइप सिमिलर होगा? नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, थोड़ा सा टफ पड़ गया तो समझ में नहीं आया। आप समझो, फिर समझो सर, दूसरी साइड के बॉर्डर नहीं, दो ही साइड के पूरे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं, दो साइड के तो बॉन्ड देखते ही है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को भी एनालिसिस साफ साफ करना पड़ता है। बताओ जल्दी से, यहाँ से देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से आने ये वाला दोनों सिमिलर हो गया। ऊपर जाओ तो यहाँ से ऊपर जाओ तो CH2 CH CH3, और नीचे जाओ तो CH2, यहाँ से नीचे जाओ तो CH2 CH CH3, सिमिलर हो गया ना पूरा, दोनों सिमिलर। इसमें देखो CH2 CH CH, कुछ बदल रहा है? क्या बदल रहा है? यहाँ पर ज्यादा हो रहा है ना, तो ये फिफ्थ टाइप का हो जाएगा। तुम में से किसी ने ध्यान से नहीं देखा, समझ में आया? तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, और वही लिख लो सिली मिस्टेक, वही लिख लो आप लोग सिली मिस्टेक कहाँ करोगे। अब समझ में आ गया,
चलिए मिल के कहां करोगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं आया अभी समझ में? अरे बोल ना बेटा बोल, ठीक है? यहां से क्या टेज है, इसको थोड़ी देर पकड़, यहां से क्या टेज है, बोल जोर से, यहां क्या टेज है, इसके यहां क्या टेज है, इसके यहां क्या टेज है, यहां यहां, तो दोनों सिमिलर लगे, लेकिन इसकी यहां क्या अटैच है, फिर क्या अटैच है, फिर क्या अटैच है, तो क्या ये पहले वाले से सिमिलर होगा? नहीं होगा ना, एक बार खुद से बोल के करो, खुद से बोल के एनालिसिस करो, खुद से बोल के कर एनालिसिस, खुद से बोल के करो एनालिसिस, दिखा अंतर, अंतर पता पड़ा, समझ में आ गया पक्का? श्योर? चल नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये को होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फाइंड द टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर, देखो देखा स्ट्रक्चर देख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, कितने क्वेश्चन दिए अभी तक मैंने होमवर्क में, दो हुए क्वेश्चन, नहीं दूसरा है ना ये, इसमें और इसमें तुम्हें घर से खुद करके लेके आना है, गलत हो चाहे सही हो करना जरूरी है, ठीक है? इन दोनों में आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चन घर से कर लोगे एक बार तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लास्ट पिक्चर में लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा था, हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्मड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो फिर लिखो क्वेश्चन, how many alkyl groups are formed by following structure, how many alkyl groups are formed by following structures, मतलब alkyl group से आपके कितने structure बनेंगे वो आपको बताने हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, बताने हैं, देखो पर स्टार्ट करते हैं, देखो इधर how many alkyl groups are formed by a following structure, अब देखो बेटा यहाँ पर समझना बेटा बात को अच्छे से, पहला अब बताओ यहाँ से कितने alkyl group बनेंगे, जल्दी से बताओ, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, types of hydrogen, हम types of hydrogen क्यों निकालेंगे बेटा, बोलो, क्योंकि देखो ये क्या है, एल्केन, एल्केन है, जब मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो क्या बनता है, अल्काइल, मुझे क्या बताना है अल्काइल ग्रुप कितने फॉर्म होंगे, अब यहां से तीन, यहां पर जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने हाइड्रोजन को मुझे निकालना पड़ेगा, जितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, और जितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा उतने अलग अलग क्या बनेंगे, कंसेप्ट समझ में आया, किस किस को क्लियरली समझ में आ गया, तो यहाँ पर क्या है वो अगर क्या है, क्या काम है तू ही क्यों पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है अधर्म की हमें इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं बेटा, मैं पता तो लगाया तो ये अगर मैं तीन अथर्व तीन अथर्व एक और अथर्व है ना,
फर्स्ट टाइम इसकी आपकी थी लिस्ट में जो 270 मार्क्स मिलता था। अरे झूठ मत बोल, जो है वो ईमानदारी से खड़े हो जाओ, मैं तो पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। बताओ ईमानदारी से बताओ बेटा कौन था, जरा तुम लोग उससे बता दो। काम है तुम बताओ कौन था बेटा। आप मोबाइल पर ही बात की है, मैं लिस्ट निकाल लूंगा। पूरी बॉडी टेक नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का एनालिसिस करना है।
मैंने तुम्हें पहले कि क्या बताया था, सुबह दो जगह करना है, फिर अब हम क्या कहते रहेंगे, एक साथ सब जगह का एनालिसिस करेंगे, यहाँ जा रहे तो क्या हो रहा है, यहाँ जा रहे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो समझ में आया बेटा ये? किसी को डाउट हो तो 5-6 बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको पढ़ जाओगे ना इसमें बहुत कुछ चीजें आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला मन में होता था, थोड़ा थोड़ा मन में ऐसा तो होता था,
कि कितने कपास गई थी तो बेइज्जती ना हो जाए, कितने कपास गई थी तो बेइज्जती ना हो जाए, इससे ज़्यादा आ रहे थोड़ा सा एक तो मार्क्स पड़ा, एक तो नहीं, एक तो करते करते वो टोटल कितने पढ़ते थे बड़े तुम्हारे बीच में नहीं है, अभी एवल में भी छुए हुए कुछ कुछ बच्चे एटू पेज में ही नहीं है, एवन में भी छुपे हुए, दोनों पेज में छुपे हुए बच्चे। ये तो 13 तारीख का एग्जाम ही बताएगा कौन कितना पानी में, कौन कितना पानी के ऊपर है, क्यों कल 13 तारीख को 250 नंबर आएंगे खराब। अरे ऐसे क्यों होता है, घर पे 250 आ सकते तो ये यहाँ भी नहीं आ सकते, आएंगे अपने खुद करेंगे, फिर तेरे से सबसे पहले मार्क्स पूछूंगा, चिंता मत कर। बनाओ, बनाया आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप, बनाया आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप, बनाया बनाओ अच्छे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बनाओ फटाफट, फिर हम नेमिंग करेंगे अल्काइल का। Thank you.
I'm going to go to the
क्या हो गया जिंदा है तो ऑक्सीजन तो होगी क्यों सही है गलत है चलो चलो बताओ नाम बताओ बेटा आप सब ये फिर से दिख रहा है लाइट आने के बाद फिर से प्रॉब्लम होती है Thank you.
लेकिन अगर इस तरफ से जाएंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं?
कितने आएंगे, दो आएंगे। अब और अगर मैं इस तरफ से जाऊंगा तो कितने आएंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, बोलो क्या आ जाएगा नाम, बोलो 2 3 मिथाइल। समझ में आ गया आप लोगों को? अब पक्का समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला था, ठीक है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को निकाला था। नेक्स्ट अगला क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाई फाइव, निकालो बेटा CH3, CH2, CH3, CH3, यहां से निकाला हाइड्रोजन और यहां पर CH3, CH3, बताओ क्या होगा, 1 2 3 4, नाम बोलो, 1 1 2 2, टेट्रा मिथाइल, क्या इथाइल का दिख रहा है तुझे, आगे समझ में, चलो क्या सारे नेम अलग अलग है, तो इस शब्द हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप तुम्हें समझ में आ गया, अपने घर पे जाके इस क्वेश्चन को बार बार वापस से रिपीट करना। अगला क्वेश्चन लिखो, ये तो था एल्काइन एल्केन का नाम, अब लिखो राइट द नेम ऑफ द एल्केन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। एक्चुअली नोमेनक्लेचर का पहला स्टार्ट हो गया, आप एल्केन का नोमेनक्लेचर क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन, इसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा, दो क्वेश्चन मैं लिखूंगा आपको, दो क्वेश्चन घर से लिख करके, चार क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, चार क्वेश्चन लिखूंगा आपको, दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दो क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आने हैं, अच्छे बच्चे हो ना, पक्का ले आओगे ये करके सॉल्व। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, जहां पर CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब तक तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा था, लेकिन मैंने एल्केन का नाम लिखा था, नहीं लिखा था एल्केन का नाम, बोलो हाँ या ना, ना। तो आप बताओ कैसे नाम करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस, तो डिसाइड करो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा, अब डिसाइड करते, देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, which one is greater, 8 वाला पक्का, तो longest continuous carbon chain कौन सी होगी हमारी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफर्म हुआ। अब इससे कौन कौन से substituent जुड़ रहे हैं, ये आप इसका नाम तो लोग जानते हो सब्स्टिट्यूएंट का, इसको इसको थोड़ा हटा के देखो, इसका नाम कैसे लिखें, 1 और 2 1 और 2, क्या होगा, इथाइल सीधा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, और इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। आप बात समझो, ये तो नंबरिंग, सॉरी मैंने नंबरिंग गलत कर दिया, मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद दूसरा स्टेप क्या था, सेलेक्ट और नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नंबरिंग कहां करते हैं, जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोज हो, ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते तो नंबरिंग कहां से करते, अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहां पर आरएफपीडी हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने किसका नाम लिखना है, एल्केन का, ना कि अल्काइल का नाम लिखना पहले बताया था मैंने, अल्काइल क्या होते हैं बेटा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अल्काइल क्या होते हैं हमारे, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो आप
अब देखो सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग कैसे लिख करेंगे, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट का कर लिया 3 पर, अगला सब्स्टिट्यूएंट भी 3 पर, फिर सब्स्टिट्यूएंट कहां मिला 5 पर, और अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट कहां मिलेगा 4 पर, फिर कहां मिलेगा 6 पर, फिर कहां मिलेगा व्हिच वन इज करेक्ट नंबरिंग, ये वाला या ये वाला, ये वाला ना, कौन सा वाला, क्यों, क्योंकि पहले पॉइंट में ही कम नंबर किसको मिला, बड़ा उल्टा है, जिसको यहाँ पर कम मार्क्स मिलेंगे वही जीतेगा, लेकिन रियल लाइफ में जिसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वही जीतेगा, उल्टा है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, अब बताओ क्या होगा, नाम बोलो, इथाइल या मिथाइल पहले आता है, मिथाइल आता है, कितने इथाइल है, तो क्या हो जाएगा नाम जल्दी बोलो, 3.5 डाई इथाइल, बोलो 3 मिथाइल ऑक्टेन, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कोई, किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को क्लियर नहीं, समझ में आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम, अच्छा वाला, अच्छा वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, चलो तुम लोग करना, CH3 CH2 C C2H5, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा C3H7, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 CH C2H5 CH2 CH3। अब सबसे पहला काम क्या है, एल्केन के नाम का, एल्केन के नाम कैसे करेंगे, नेमिंग ऑफ एल्केन में लिखा था, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, बोलो सब बोलो, सेलेक्ट द लोकेश, कंटिन्यूअस, तुम लोग कुछ भी सेलेक्ट कर दो, क्या बोलोगे, सेलेक्ट द लोकेश कंटिन्यूअस कार्टेंस, सेलेक्ट करो, ये वाला हो जाएगा, चेक करो सही है गलत है, ये कितने की कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहां से कार्बन को सेलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 2 है कार्बन यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो गलत हो गया, यहां से सेलेक्ट कर लो, कहां से, जहां से आप कहीं से भी सेलेक्ट करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट ये बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, बात क्लियर है, दो ही पॉसिबिलिटी है, आप बताओ अगला रूल क्या है, नंबरिंग कैसे करते हैं, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो कैसे करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज आएगा वो आप वहां से नंबरिंग कर देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा हुआ तो कौन सा रूल लगाएंगे, आरएफबीडी, आरएफबीडी लगाने का तरीका दोनों साइड से नंबरिंग करके देखेंगे, इस साइड से नंबरिंग करो और इस साइड से नंबरिंग करके सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, इस साइड से नंबरिंग करते हैं, बताओ 1 2 3 पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पर आया, दूसरा किस पर आएगा, 3 4 5 दूसरा किस पर आएगा, तीसरा बताओ 7 7 पर कितने आएंगे, 2 आएंगे, अब यहां से आगे पीढ़ी लगाओ, पहला किस पर आया, 3 दूसरा भी किस पर आया, 3 पर, तीसरा भी, तीसरा किस पर आया, 5 पर, और 7, अब कौन सा सही है, देखो 3 और 3 तो सिमिलर हो गया, कैंसिल, इससे पता नहीं पड़ेगा, अगले नंबर पे जाओ, अगले नंबर पे कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है कि ये वाला, ये वाला, तो ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, अब नाम लिखो, नाम बोलो कैसे होगा, नंबरिंग इस तरह यहाँ से होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जल्दी बोलो नंबरिंग क्या हुआ, 3 4 7 कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा देना, नाम तो भी होगा, हाँ
कैसे कैसे पास आ रहा है, कौन से नंबर पर? बेटा इसको दो बोलेंगे, ये ऐसा नहीं है, C2H5 ऐसा होता है बेटा। आप बोल पास आ रहा है, नहीं आ रहा ना पास, तो C2H5 तो ऐसा होता है ना बेटा। ध्यान रखना C2H5 जहां लगा रहे ना, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो C2H5 को ऐसे बना दो, तब जाके पता लगा रहे, ठीक है? कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं करता आपको, ये पता पड़ेगा कहां मिस्टेक हो जाएगी। तो कौन से, अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, ये इथाइल है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोपाइल, ये क्या है, आप नाम बोलो। सबसे पहले क्या है, इथाइल इथाइल या प्रोपाइल? 3.7 डाइमिथाइल, नेक्स्ट 3-methyl 5-propyl, आगे बोलो, आगे आप समझ में, आगे आप समझ में अच्छे से क्लियर हुआ पक्का? श्योर? चलो आप घर जाके इन सारे क्वेश्चन को तुमसे फिर से रिपीट करना है, एक्सप्लेन करके डीपीपी निकालो, डीपीपी निकालो, डीपीपी नंबर 1 एटॉमिक रेडियस वाली। कितने क्वेश्चन? 40 है, ठीक है बेटा, डीपीपी नंबर 1 सब के सब निकाल लेना, इसको लिख के। चलो ठीक है, हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, डीपीपी नंबर 1 में सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे? एक काम करो ना, तुम लोग इसको खुद से करके लेके आओ, एक बार अटेम्प्ट मारो, मैंने बताया ना, एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है? सब करो एक बार, ठीक है? साइड में एक्सप्लेनेशन लिख के अटेम्प्ट मारना, अभी बैठ के करो तुम लोग पहले डीपीपी सॉल्व, ठीक है? अच्छा, दो दिन क्वेश्चन डाउट डाउट के टाइम पूछ, ठीक है? तुम लोग अभी डीपीपी सॉल्व करना, ठीक है? डीपीपी खुद से सॉल्व करना बेटा, क्योंकि आज इन्हें टाइम वेस्ट हो गया है, इसीलिए डीपीपी तुम लोग खुद से सॉल्व करना है। तो ये वाला, चलो ये वाले क्वेश्चन समझ में आए, एक और क्वेश्चन करना चाहते हो? पक्का कर लोगे? पक्का श्योर बोलो। चलो तो लिखो इस एल्केन का नाम, चलो इस एल्केन का नाम लिखो। एक और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में लिख के दे रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना? आपका वो खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब जल्दी बताना, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। अब बताओ इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिख के बताओ। इसका नाम लिख के बताओ फटाफट। जल्दी से इसका नाम लिख के बताओ, कोशिश करो सब। जल्दी से इसका नाम लिख के बताओ फटाफट आपको। मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग कोशिश करना, ठीक है ना? ऐसा जल्दी लिखना, आप लोग नाम भी लिखोगे फटाफट। एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों क्लास देखना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है।
तीनों का नाम लिखो आप लोग, ठीक है? उससे लिखो नाम, एक बार ट्राई करो सब, ट्राई करो नाम लिखे सब। एक्चुअली ये क्या, पहले ये आपको आइडेंटिफाई करो,
एल्केन की अल्काइल है। एल्केन है ना, तो एल्केन का नेमिंग कैसे करते हैं और अल्काइल का तो अलग तरीके से करते हैं। अल्काइल का नेमिंग कैसे करते हैं? जहां से पेरेंट कार्बन चेन जुड़ा रहता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन एल्केन का कैसे करते हैं? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कौन सा होगा? सबको सबको मन लग रहा होगा कि ये वाला भी सेलेक्ट कर ले और ये वाला भी सेलेक्ट कर ले। दो हो सकते बेटा इसमें, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ से अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में 6। तो विच वन इज मोर करेक्ट? जिसमें सबसे करेक्ट होगा, तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? अच्छा, आप समझ में आया? ऐसा कभी नहीं करना कि सीधा है तो सीधा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमको वही सेलेक्ट करना है जिसमें मोर नंबर हो। अब बताओ कौन सा मेल कौन सा होगा बेटा? 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
फाइव सिक्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो आर एफ पी डी टू और थ्री पर, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो किस पर लगेगा वन टू थ्री फोर और फाइव पर, तो बताओ विच वन इज करेक्ट। अब बताओ नाम कैसा होगा, ये वाला
ये वाला सब्सिक्वेंट, अब इसका फोटो निकाल लो साइड में। क्या मैंने इस अल्काइल का नाम इतना बताया था उन लोगों को, याद आया अल्काइल ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? ये बार और ये इसका नाम क्या होगा? बार मिथाइल, इथाइल। अब आ गया समझ में? अब आ गया। अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ से जाएंगे तो भी फोर पर, यहाँ से जाएंगे तो भी फोर पर, तो चुंबे के पीछे कितने कार्बन की चेन है तो क्या जाएगा? अब ये नाम, अब ये नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। एल्केन का नाम कैसे करते हैं? कल तीन चार क्वेश्चन और करेंगे एल्केन से रिलेटेड, तब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है? Thank you.
Thank you.